दोस्तों ये है बटन कैमरा। इसको जामा के साथ इस तरह करके जामा में लगा दोगी इस तरह करके, तो कोई नहीं पकड़ सकता आपके पास कैमरा है। आपको लगता है इस तरह करके घूमोगी, हाँटोगी, चलोगी रास्ता में, तो कोई नहीं पकड़ सकते आपके पास बटन कैमरा है। ऐसा जगह आता है कभी कभी कैमरा ले जाने के लिए अलाउ परमिशन नहीं होता, उसी जगह में एक कैमरा ले जा सकते, कोई नहीं पकड़ सकते आपको। देखिए कितना अच्छा है, तो जामा के साथ मिल गया बटन के साथ। तो इस बटन कैमरा को यूज़ करना कैसे, सेटअप करना कैसे, चलाना कैसे, पूरा आज इसी वीडियो से मतलब से डिस्कस करके दिखाने वाला हूँ, बेस्ट तरीका दिखाने वाला हूँ। जिन लोग आप बटन कैमरा कभी नहीं देखा कि कैसे यूज़ करना चाहिए, देखना चाहते, खरीदना चाहते, पैसा नहीं, तो पूरा सेटअप कैसे करना है रियल दिखाने वाला हूँ, कैसे करना, कैसे चलाता है, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो लास्ट तक पूरा वीडियो वॉच करिए, पूरा सेटअप करके स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। आपको बटन कैमरा खरीदने के बाद देखता कुछ बॉक्स में मिलता है, बॉक्स ओपन करने पहले से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बराबर चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्री में सब्सक्राइब है, पैसे नहीं लगता है आपके पास, इतना मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूँ तो हमारे लिए कुछ हेल्प करो ना, फ्री में तो सब कुछ होता है, तो लाल बटन तो बना है। तो बॉक्स ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। तो पहले आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए बटन कैमरा और बॉक्स दोनों इधर से अनबॉक्सिंग कर दिया, और इसके साथ देखिए केबिल मिलता है। इस केबिल को इस तरह करके आपको लगाना है, इस तरह करके लगाना है, और इसमें लैपटॉप कंप्यूटर में पूरा डाटा देख सकते हैं, और इसको चार्जिंग इसी तरह से कर सकते हैं। चार्जिंग में कैसे लगाना है, चार्जिंग इधर सिस्टम है आपको, केबल सिस्टम है, जो भी आपका चार्जर है उसमें लगा देना, और इसमें चार्ज आसानी से हो जाएगा। तो चलिए इसका यूज़ करना कैसे देखा देता हूँ। तो पहले यूज़ करना कैसे, आपको एक एसडी कार्ड ले लेना है, तो मोबाइल से हम इसको एसडी कार्ड डाल लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ इसको यूज़ करना कैसे। तो इस तरह के मोबाइल से हम एसडी कार्ड खोल के इसको आपको आसानी से लगा सकते हैं। तो हम क्या करता हूँ, तो बॉक्स के अंदर इस तरह कुछ आपको लगाना है, इस तरह घुमा के आपको अच्छी तरह से इस तरह से टाइट कर देना, इस तरह करके टाइट कर देना, एक आवाज़ आएगी और आपको टाइट चल लग जाएगा। उसके बाद ए बटन के दबा के ऑन करना है, इस तरह करके दबा के रखना है 2-4 सेकेंड, और वाइब्रेशन का साइलेंस का आवाज़ आएगा और ये चालू हो जाएगा, रेड लाइट जलेगा, मतलब इस डिवाइस अब चालू हो गया, म्यूट से कनेक्ट हो गया। इसको वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे करना है, तो देखिए ए वाला बटन है ना, इसको 3-4 से 5 सेकंड दबा के रखना है, तो साइलेंस का आवाज आएगा और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा, सब कुछ लाइव के पूर्व देखा था, लाइव के साथ ही साइलेंस का आवाज़ हो रहा है, ठीक है, मतलब आपको वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, कुछ सेकंड दबा के रखा, अभी सब वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कैसे करना है, तो एक बार दबाना है, एक बार दबाओगे तो बंद हो गया, देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग। और आपको फोटो क्लिक करना है, फोटो खींचना है, तो एक बार दबाना है, एक बार दबाओगे तो फोटो क्लिक हो जाएगा, देखिए एक बार दबाओगे तो साइलेंस करके आवाज आएगी, आपको पता चल जाएगा और ये फोटो क्लिक हो गया। आपको इधर से बटन में लगा के एक बार दबाना होगी तो फोटो क्लिक हो जाएगा, और एक बार दबाता हूँ तो फोटो क्लिक हो गया। और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करना है इसके से, जब कुछ सेकंड तक दबा के रखना, 4 सेकंड 3 सेकंड, तो देखिए वीडियो रिकॉर्डिंग मूव करके जब आगे आवाज आएगा तो आपको पता चल गया इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, मोबाइल में डाल के दिखाता हूँ। तो पूरा इस तरह से आपको यूज़ कर सकते, वीडियो रिकॉर्डिंग चला सकते। आपको एसडी कार्ड एक बार क्या करना है, जो वीडियो हम क्या करें बंद करना है, तो एक बार बंद कर देता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग। और इसको क्या करना है, एक बार पूरा आपको सोचिए जी, आप सोचिए जी ये पूरा हम रिकॉर्डिंग कर लिया, तो क्या करना है, इसको दबा के स्विच ऑफ कर देना, स्विच ऑफ करने के बाद गूंग करके आ जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, और आपको फिर से एसडी कार्ड को निकल लेना, इसी तरह से फिर से निकल लेना। निकलने के बाद आपको फिर से उसी आपको क्या कर लेना, आपको मोबाइल में जो भी एसडी कार्ड लगा था उस मोबाइल में डाल देना, और आपको इस तरह से मोबाइल में भी लगा सकते, लैपटॉप कंप्यूटर में भी लगा सकते, ओटीजी केबल से भी लगा सकते, चेक कर सकते। अभी मोबाइल से कर रहा हूँ, देखिए मोबाइल से चेक करके देख, इसको हम फाइल में जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इसको रिकॉर्डिंग हुआ था। मोबाइल में देखिए, मोबाइल के साथ उसको एसडी कार्ड में जाता हूँ, एसडी कार्ड सपोर्ट हो गया, उसके बाद देखिए इस तरह कुछ इंटरफेस शो करता है, उस पर एसडी कार्ड में जाता हूँ, तो देखिए इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग किया, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग किया सब लाइव के ऊपर के साथ फुल एचडी में रिकॉर्डिंग हुआ, सबको देख सकते। तो देखिए अभी रिकॉर्डिंग किया हमने, तो दोनों रिकॉर्डिंग किया अभी, देखिए रिकॉर्डिंग किया, देखिए अभी रिकॉर्डिंग किया, वॉइस भी रिकॉर्डिंग होता है दोस्तों, वॉइस भी रिकॉर्डिंग होता है, तो उसको भी दिखाना कैसे, तो ये फाइल में जाना, फोटो में
फोटो में ज़्यादा हूँ तो फोटो अभी भी क्लिक किया, देखिए इधर से तो हमारा कैमरा रिकॉर्डिंग हो गया फोटो। तो इस तरह से देखिए आप इस भी तरह से बटन कैमरा यूज कर सकती है। आपको छोटा सा कैमरा है, इसको सिर्फ एचडी कार्ड लगा के फुल एचडी में रिकॉर्डिंग होता है और मोबाइल में लैपटॉप में देख सकते हैं, तो इसी तरह से यूज कर सकते हैं। तो वीडियो के सलाह जोन कमेंट सेक्शन में बताए दिन लोग लेते हमारा रियल टाइम गैजेट रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो गुड बाय।